संगम ये रेडियो संगम रेडियो संगम 107.9 FM दिलों को मिलाने वाला जी वेलकम बैक और आप सुन रहे रेडियो संगम 107.9 FM और जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम बात करेंगे हाजा यामीन से और उनकी नई अपकमिंग जो फिल्म आ रही है उसके हवाले से और यकीनन आप लोग इस गपशप को जरूर पसंद भी करेंगे और हम वेलकम कहते हैं हाजरा को प्रोग्राम में. हेलो हाजरा, आप सुन सकती हैं हमें? जी दीदी, आई कैन हियर यू. क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक हूँ. आपको मैं वेलकम कहूँगी और बहुत सारी बेस्ट विशेज के साथ हम शुरू करेंगे ये शो. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. और हाजरा कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आजकल कैसा लग रहा है? बस आजकल वे ऑल द होल टीम इज यू नो वेरी बिजी इन प्रमोटिंग द फिल्म और जो है हम अगर मैं एज एन एक्टर अगर बात करूँ तो मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यू प्ले अ कैरेक्टर विच इज ऑडियंस के सामने जाना होता है. बिल्कुल वैसी फीलिंग होती है एज इफ आप अपने किसी स्कूल के रिजल्ट का जो है ना आप वेट कर रहे हो. एग्जैक्टली, तो बस उसी तरह की कुछ कैफियत है. लेट्स सी, आई होप इट गोज वेल. कुछ बताइए अपने बारे में, कुछ दुनिया को पता चले कौन हाजरा है, कैसे हाजरा ने ये काम शुरू किया. ऐसा है कि इट ऑल स्टार्टेड जब मैंने एक थिएटर प्ले देखा था व्हेन आई वाज 13 इयर्स ओल्ड. वो था बॉम्बे ड्रीम इन इस्लामाबाद. बस वो जब मैंने देखा तो मैंने कहा कि यार ये मुझे भी करना. तो मैं 13 साल की थी और जो है तब से जो है मैंने छोटे छोटे स्कूल में प्लेस किया. मेरा कॉन्फिडेंस बहुत कम था, आई वॉज नॉट अ वेरी कॉन्फिडेंट स्टूडेंट. तो उसके बाद फिर ये हुआ कि 2011 में जब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी शुरू की, आई एम बेसिकली अ बैचलर्स इन कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज. तो व्हेन आई स्टार्टेड दैट तो मेरे पेरेंट्स ने जो है ना एक कंडीशन रखी हुई थी कि बेटा अगर आपने कोई भी काम करना है तो आपको अपनी डिग्री कंप्लीट करनी होगी, उसके साथ साथ आप काम करो, उसके बाद जो करना होगा कर, बट कंप्लीट योर डिग्री फर्स्ट. तो बस साथ में 2011 में मैंने थिएटर शुरू किया और अब 8 साल हो गए हैं एज अ थिएटर एक्टर. और फिर 2015 में मैं इस्लामाबाद से जब मेरी डिग्री कम्प्लीट होगी तो मैं कराची शिफ्ट हो गई थी. तो बस तब से टीवी का और फिल्म का एक सिलसिला शुरू हो गया. बट आई स्टिल डू थिएटर व्हेनेवर आई गेट टाइम. और थिएटर एक्टर जो होते हैं उनको मेरे ख्याल है कि टीवी में जितना वो काम कर लें, फिल्म में जितना काम कर लें, वापस वो थिएटर की तरफ जरूर जाते हैं. जरूर जाते हैं. और मैं आपको एक बात बताऊं, एक ना एक काफी वियर्ड सी जो है ना एक नॉर्म बन गई है कि लोग कहते हैं कि शायद फिल्म एक्टर्स, थिएटर एक्टर्स और जो टीवी एक्टर्स हैं उनमें कोई फर्क नहीं. द थिंग इज फर्क एक्टर्स में नहीं है, फर्क किसी की पोजीशन में नहीं है कि वो टीवी के एक्टर हैं या वो थिएटर के एक्टर हैं या वो फिल्म के एक्टर हैं. फर्क सिर्फ मीडियम में है, फर्क सिर्फ तरीके में है. तो ऐसी कोई बात नहीं है दैट वन मीडियम इज यू नो प्रिविलेज एंड द अदर इज अंडर प्रिविलेज. ऐसी कोई बात नहीं है. बात यह है कि ये तीन डिफरेंट तरीके हैं. तो वो बस हम लोग एज एक्टर्स हमारा तो काम ही ये होता है कि हम सीखें हर मीडियम में परफॉर्म करना. तो बस वो सिलसिला जारी रहता है. तो बस पहले मैं थिएटर एक्टर थी, अभी भी हूँ, और जो है साथ में मैंने टीवी सीखा और अब मैं सब सीख रही हूँ. तो वो वाली सिचुएशन चल रही है बस जी. और प्रोजेक्ट आफ्टर अ प्रोजेक्ट आफ्टर अ प्रोजेक्ट और हम आपको देख रहे हैं ग्रूम्ड, बॉस स्किल एंड वेरी प्रोफेशनल. पता चलता है कि एक एक्टर को पॉलिश किया गया है किसी तरीके से. थैंक यू. पता इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है. ये मेरी इंडिविजुअल एफर्ट नहीं है. बहुत सारे ऐसे लोग रास्ते में मिले जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है. तो बहुत से लोगों को क्रेडिट जाता है. और मुझे पर्सनली मुझे स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस पसंद है. आई लाइक टू बी पेशेंट विद माई वर्क बिकॉज एकदम से जब बहुत कुछ आ जाता है तो आई फील ओवरवेल्म्ड एज अ पर्सन. सो आई लाइक टू गो स्लो एंड स्टेडी. आई रिमेम्बर अभी इस साल मैंने एक रिस्क लिया था कि चलो मैं एक टाइम पे 2 प्रोजेक्ट्स करती हूँ. लेकिन वो मुझे रिस्क लेना काफी महंगा पड़ गया क्योंकि मैं बढ़ गई थी बुरी तरीके से और साथ में पिंकी मैम साहब की प्रमोशन भी शुरू हो गई थी. तो आई जस्ट बिकॉज आई लाइक टू डू जस्टिस टू माई वर्क, आई लाइक टू बी ऑनेस्ट विद माई वर्क. तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता दैट यू नो इफ आई एम नॉट बीइंग ऑनेस्ट विद माई वर्क एंड इफ आई एम नॉट रियली एबल टू गिव 100%. जी हम देख रहे हैं कि शुरू आपने थिएटर से किया, मीडिया स्टडीज के बाद थिएटर में आना और इसके बाद टीवी और इसके बाद फिल्म.
सो कैसा रहा ये आपका, आपकी दूसरी फिल्म है ये, और कैसा जी एक्सपीरियंस है अभी तक और कैसा फील हो रहा है? मान जाना थी मेरी पहली फिल्म, जी और मेरी पहली फिल्म के मुताबिक अगर उसको देखा जाए तो इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड आई विल, और उसकी तो फीलिंग ही एक अलग थी, बिकॉज आपकी जो पहली चीज होती है, आपका पहला फिल्म प्रोडक्ट होता है, वो बेशक जितना भी जैसा भी हो वो आपके दिल के बहुत करीब है, इट्स लाइक योर चाइल्ड. बिल्कुल बिल्कुल लेकिन पिंकी मैम साहब का ऐसा है कि वो मैं उसको मिला ही नहीं सकती किसी और प्रोजेक्ट के साथ, क्योंकि पिंकी मैम साहब बिल्कुल अलग है. जो प्रोसेस था उसका वो इतना अच्छा था, और वो इतना उस प्रोसेस ने मुझे इतना ग्रूम किया एज एन एक्टर एंड एज अ प्रोफेशनल, कि वो और किसी प्रोजेक्ट में मुझे अभी तक नहीं किया. वो ग्रूमिंग मुझे थिएटर से मिली है, लेकिन अभी तक टीवी और फिल्म में जो मुझे ग्रूमिंग मिली है दैट इज इन पिंकी मैम साहब. हाँ, और कुछ मेरा जी जी मैंने बोलिए. कल भी जब मैं अदनान जाफर से बात कर रही थी, जब मैंने उसका टीज़र देखा फिल्म का, तो मुझे लगा कि दिस इज़ एन आर्ट मूवी, दिस इज़ एन डॉक्यूमेंट्री. फिर ऑन द सेम साइड ये मुझे लगी फुल ऑफ लाइफ है ये फिल्म, इसमें इतने कैरेक्टर्स में इतनी जान है कि वो आपको कैचिंग लगते हैं. हाँ, पता है इस फिल्म में सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों की कहानियां हैं. इट्स अ स्टोरी अबाउट अ बंच ऑफ पीपल हु आर जस्ट बीइंग ह्यूमन, और हमने बस ये दिखाया है कि वो सिंपल, वो बेशक जिस भी सोशल स्टेटस के हैं, वो बेशक जिस भी जगह पे रहते हैं, जो भी पहनते हैं, जैसे भी दिखते हैं, जब वो घर में अपने अपने कमरे में आके बैठते हैं, अपनी कंफर्टेबल जगह पे आके बैठते हैं, तो वो सिर्फ इंसान है. और हमने ये दिखाया कि वो अपनी एवरीडे बैटल से, इनर बैटल से, अपनी इनसिक्योरिटीज से वो किस तरह से लड़ते हैं, एंड ऑल ऑफ देम वांट टू बी समथिंग इन लाइफ. तो वो क्या, व्हाट इज इट दैट दे डू टू अचीव दैट, एंड व्हाट इज इट दैट दे लूज टू अचीव दैट. दैट्स अबाउट, एंड और ये आई थिंक एक ऐसी चीज है जिससे सब काफी अच्छे तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं. और बीइंग लाइक आपका जो करेक्टर मैंने उसमें देखा, थोड़ा सा मुझे क्लियर भी हुआ. थोड़ा सा आप मुझे उसके बारे में बताइए भी कुछ, कि क्या आपने प्ले किया, बहुत कमर्शलाइज रोल है या कहें ग्लैमरस रोल है, या किस तरह का रोल है आपका? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि कमर्शलाइज है या ग्लैमरस है. तो पिंकी जो है शी इज जस्ट अनदर गर्ल जो एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखती है. घर के हालात खराब होने पे वो ट्रैवल करती है दुबई एज अ मेड काम करने के लिए. बस वहां से उसका एक सफर शुरू होता है. पिंकी बेसिकली एक ऐसी लड़की है जिसके अपने कुछ सपने हैं, ये अपनी कुछ ख्वाहिशात हैं, उसके अपने ख्वाब हैं कुछ, स्पेशली अपनी फैमिली के लिए जो वो पूरे करने चाहती है, और उनके लिए वो हर किस्म का रिस्क लेने के लिए तैयार है. लेकिन उस वो रिस्क लेने के साथ साथ वो अपनी वैल्यूज की बहुत पक्की है. शी इज वेरी वेल ग्राउंडेड एंड शी इज वेरी स्ट्रांग माइंडेड. और जो जो सबसे अच्छी चीज जो मुझे पिंकी की लगती है वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, कि जब वो इधर से उधर, जब वो व्हेन शी सफरिंग इन लाइफ, तो यू नो एक होता है ना, व्हेन योर लाइफ बिकम्स अ मेज इटसेल्फ, तो आप इधर उधर भूल रहे होते हो, आपको रास्तों का नहीं पता लग रहा होता, बट देन इन दैट प्रोसेस शी बिकम्स सो फ्लेक्सिबल एंड देन शी कम्स आउट ब्यूटिफुली. तो पिंकी इज जस्ट अनदर गर्ल हु हैज सम ड्रीम्स इन लाइफ, और जिसने बस कोशिश करके अपनी अपने सच्चे दिल से उसने वो हासिल किया. बिल्कुल, उसके बारे में कहा. बिल्कुल. और जैसे देखा कि वो एक एक मिजरी भी आती है लाइफ में, हर बंदे की आती है, और उस मिजरी को प्ले करना हर बस बंदे की बस की बात नहीं होती है. और वो, और आई वुड से कि इतना खूबसूरत आपने तरीके से इसको प्ले किया है कि मुझे बहुत अच्छा लगा देख के. हाँ, थैंक यू सो मच, दिस मीन्स अ लॉट. पता, आई जस्ट होप कि जितना आप लोग को ट्रेलर पसंद आया, बस उतने आप लोग को फिल्म भी पसंद आए, तो क्या बात हो जाएगी. बिल्कुल बिल्कुल. और जिस तरह से मैंने कहा कि आपका वो जो करेक्टर है बहुत स्ट्रांग है, और जैसे जो थिएटर से लोग आते हैं उनको फौरन से वो जो है ना अप्रिसिएशन, और वो जो तालियों की आदत होती है कि फौरन से तालियां बजें, हमारा काम खत्म हो गया. सो वो चीज़ आपको लगती है कि इसमें, जैसे पता चला कि इसकी शूटिंग जो थी वो 1 साल पहले कंप्लीट हो चुकी है, और काफी टाइम आ गया रिलीज के दरमियान में. तो ये है कि पता, जो मेरा जो है ना सपोर्ट सिस्टम काफी स्ट्रांग था. कैरेक्टर, ये कैरेक्टर मैंने अकेले बिल्कुल भी नहीं बनाया, ये कैरेक्टर 5 से 6 महीनों की मेहनत में बना है. और ये कैरेक्टर मैंने भी बनाया, मेरी डायरेक्टर ने बनाया, मेरी प्रोड्यूसर ने बनाया है, मेरी राइटर ने बनाया है मेरे साथ. बिल्कुल बिल्कुल. तो बहुत पूरी टीम इन्वॉल्व थी जिन्होंने मेरी मदद की ये कैरेक्टर बनाने के लिए.
तो जब मुझे उन्हीं लोगों से डांट भी पड़ती थी कि मैं सही नहीं कर रही, और जब उन्हीं लोगों से अप्रिसिएशन भी मिलती थी, तो वो मेरे लिए काफी होता था। जब बिल्कुल शादिया ही मुझे कहती थी कि नहीं हाजा, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है, तो मैं कहती थी कि ठीक है। उसके बाद फिर मेरी कोई बहस नहीं होती थी कि चलो ठीक है, यू आर सेटिस्फाइड विद इट, आई एम फाइन विद इट देन। सो ये आप एक छोटे से गांव से आप दुबई तक का सफर जो था वो कितना मुश्किल था? हाँ, मुश्किल भी था और बहुत मजा भी आया। एक्चुअली पिंकी इज सॉर्ट ऑफ अ गर्ल जो कि हर हर सिचुएशन में वो अपॉर्चुनिटी देखती है। यस, हर सिचुएशन सबसे पहले आपको नीचे जरूर गिराती है, बिल्कुल लेकिन उससे जब आपने सीखना होता है और आपने अपॉर्चुनिटी देखनी होती है, वो आपके ऊपर होता है। और वो पिंकी की जिंदगी में पे इतने सारे जो कैरेक्टर्स आते हैं, मैं आपको बताऊँ, उसमें कुछ बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो सिर्फ 10-10 मिनट के लिए आए हैं, लेकिन वो कैरेक्टर्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो ऑडियंस को हमेशा याद रहेंगे। द एक्टर्स हैव डन एन अमेजिंग जॉब। तो वो जब उसकी जिंदगी में आते हैं, जब व्हेन ऑल ऑफ देम यू नो गिव गिव हर एन एग्जांपल, दे सेट एन एग्जांपल आउट ऑफ देयर ओन लाइफ फॉर पिंकी एज एन इंस्पिरेशन। तो बस ये क्या, एक तरह से पिंकी भी इन कैरेक्टर्स को लीड कर रही है और वो कैरेक्टर्स भी पिंकी को लीड कर रहे हैं। बॉन्डिंग तो है, इट्स अ थिंग बॉन्डिंग है ऑफ कैरेक्टर्स के दरमियान में। बॉन्डिंग बहुत है इस, मेरी मेरे कैरेक्टर की बॉन्डिंग सबसे ज्यादा है मेम साहब के साथ। और लकीली आई कंसिडर माई सेल्फ लकी कि मुझे इतने अच्छे एक्टर्स अदनान जाफर, किरण मलिक, सनी हिंदुजा और हाजरा खान, मुझे इन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, बिकॉज इट वॉज अ सेट of which consisted of powerful supportive women। और ये एक बहुत बड़ी लग्जरी थी मेरे लिए, ऑन टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। किरण के साथ मेरा काफी सारा काम था, और किरण माशाल्लाह इज सच अ स्ट्रॉन्ग वुमन, एंड माशाल्लाह शी हैज हर ओन चाइल्ड इज वेल, एंड शी इज रेजिंग हर चाइल्ड ब्यूटिफुली। माशाल्लाह तो आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम किरण एज एन एक्टर एंड एज अ वुमन। तो हमारा एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था वाइल ऑन सेट, के एक वो जो दैट सेंस ऑफ बीइंग कंफर्टेबल विद समवन, आई थिंक और कुछ आपको देखे ना देखे, वो आपको सब एक्टर्स के दरमियान जो केमिस्ट्री है ना, वो जरूर देखेगी, बिकॉज सब आपस में बहुत कंफर्टेबल थे। बिल्कुल बिल्कुल। जी और जब पिंकी मैम साहब की बात हो रही है, तो जो आजकल आपके प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, बांदी में देख रही हूँ, सच अ जी ब्यूटीफुल आपका उसमें एक्टिंग है कि दिखाया रह गया कि जी शी वांट्स टू से समथिंग बट शी कांट, ऐसे में कैसे या एक्टिंग कितनी मुश्किल होती है? मुश्किल तो होता है, लेकिन यह है कि हर हमें ना मौका मिलता है बहुत सारी जिंदगियां जीने का, और हमारी ट्रेनिंग ऐसी की गई हुई होती है। तो हम लोग का फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक प्रोफेशनल तरीका बताऊं, जब हमें कोई कैरेक्टर मिलता है तो एज एन एक्टर मैं सबसे पहले देखती हूँ कि इस कैरेक्टर की कहानी क्या है, ये कहाँ से आएगी, चलती कैसे होगी, ये सोचती क्या है। और अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, शी इज ऑल्सो अ मदर हर सेल्फ। बिल्कुल। तो वो एक फाइट है भी और नहीं भी है, डर है और नहीं भी है, स्ट्रांग है और नहीं भी है। तो अभी जो रामीन का कैरेक्टर चल रहा है बांदी में, वो एक मिक्सचर है इन सब चीजों का, क्योंकि उसको लग रहा है कि वो स्ट्रांग है, लेकिन वो उसको लगता है वो नहीं भी है। नहीं भी है। क्योंकि वही बात होता है कि आप ही की जिंदगी में कुछ लोग होते हैं जो आपके दिल के बहुत करीब होते हैं, जो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी होते हैं और आपकी सबसे बड़ी वीकनेस भी वीकनेस होते भी हैं। होते हैं। एग्जैक्टली। तो इस तरह से ये है रामीन की कहानी चल रही है फिलहाल। हाँ, नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा वो ड्रामा भी, और जैसे फायजा बेगम आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आप हो नहीं रही, ऑन द अदर हैंड आप हो भी चुकी हैं। हाँ, एट द सेम टाइम हैविंग अ ब्रदर लाइक वली, बिकॉज़ वली सीज एवरीथिंग एंड आई डोंट। तो जो है एक वो होता है ना, प्यार की बट्टी बंधी भी होती है। तो वो रामीन के कैरेक्टर में ये दिखाया है कि रामीन जो है शी इज ब्लाइंडेड बाय हर मदर्स लव, लेकिन वली इज वेरी क्लेवर एंड वेरी वाइज, तो उसको सब नजर आती है। तो अभी वली का भी वही प्रोसेस चल रहा है कि हाउ इज इट दैट ही इज गोइंग टू प्रूव टू रामीन कि वो किसको ट्रस्ट करे और किसको ट्रस्ट ना करे। जैसे मैंने आपके कैरेक्टर मैं तेरी रजाक मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत उसमें आपकी एक्टिंग थी, कि थैंक एक एक यू। एक इतनी अच्छी दोस्त वो कैसे बदल जाती है एक सबसे बुरी दोस्त में। एग्जैक्टली, वो तो बहुत हाँ, इवन कैरेक्टर था, और बाकी मुझे भी बहुत नफरत हो गई थी। इवन ताबीर की बात मैं करूँ, ताबीर में भी आपका कैरेक्टर इतना ब्यूटीफुल था
कि मुझे थैंक यू। इतनी खूबसूरत एक्टिंग है आपकी है कि इतनी वो वर्सटैलिटी देखने में आती है ना। और अभी पिंकी मैम साहब की बात करें तो मैं कहती हूँ कि हमसे सब्र नहीं होगा कि आप लोगों ने यूके में इसमें इसको रिलीज क्यों नहीं किया। हाँ पता है, इस सबका जो है ना क्रेडिट बहुत ज्यादा जाता है डायरेक्टर्स को। जब डायरेक्टर्स आपको एक प्ले ग्राउंड देते हैं ना, वो बस कहते हैं कि अच्छा दिस इज योर प्ले ग्राउंड, जितना खेलना है खेलो, बिल्कुल और साथ ही बिल्कुल वो आपके साथ खेलते हैं। डायरेक्टर्स खुद खेलना शुरू हो जाते हैं फिर आपके साथ बिल्कुल इन द बिल्कुल प्रोसेस, अब ये करके देख, अब ये करके देखते हैं, लेकिन वो ये भी तो सोच रही होगी। तो वो काफी चीजें उसके अंदर जो है ना मिक्स होके आ जाती हैं, तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं जिनकी वजह से वो एक कैरेक्टर बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कितना आपको टाइम मिलता है कि आप वो अपना एक्चुअल करेक्टर प्ले करने से पहले आपको रिहर्सल्स करवाई जाती हैं, या जैसे कि आपका करेक्टर फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम अ विलेज साइड, तो वहाँ पर आपको यकीनन आपको सीखना पड़ा होगा कि एक गांव की लड़की है वो कैसे रिएक्ट करती है ये चीज़ों की तरफ, उसका क्या उसका इंप्रेशन होता है। सो वो कुछ आपको टाइम मिला हाँ था कुछ रिहर्सल करने के लिए? टाइम बहुत मिला था टाइम। जैसे मेरा ऑडिशन हुआ था मई में, और फाइनलाइज सब कुछ हो गया था जून में। तो जून से मेरी मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी, और शूट हमारा स्टार्ट होना था अक्टूबर में, और मुझे एक महीना पहले जो पाकिस्तान में तो मेरे रिहर्सल कर ही रही थी अपने एक्टिंग कोच के साथ और शादिया के साथ, लेकिन उन्होंने मुझे दुबई बुलाया एक महीना पहले बाकी सब एक्टर्स के साथ पूरा स्क्रिप्ट सिर्फ रिहर्स करने के लिए। ठीक, अच्छा। और शाजिया ने, शाजिया की एज अ डायरेक्टर सबसे अच्छी बात यह कि शी गेव अस अ लॉट ऑफ फ्रीडम टू एक्ट ठीक। रिहर्सल में। शी वुड, वो हमें वो स्क्रिप्ट साइड पे रख देती थी, वो कहती थी कि वो बोलो जो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें बोलना चाहिए, अच्छा। और वो चीज स्क्रिप्ट बन जाती थी। ठीक। सो स्क्रिप्ट में स्क्रीन प्ले में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है एंड के ऊपर आकर। हाँ, बिकॉज द थिंग इज कि आपके कैरेक्टर्स की मोटिवेशन चेंज होती रहती हैं, जिस तरह आप बात करते हो वो सब कुछ चेंज होता रहता है, जैसे आप सोचते हो वो बदलता रहता है, सब टेक्स्ट चेंज होता रहता है। बिल्कुल और अगर बिल्कुल। ऐसा डायरेक्टर हो जाए जो ये चीज समझता हो कि सब टेक्स्ट और मोटिवेशन होता क्या है, और जब और अगर वो ये समझे कि ये चीजें तो चेंज होती रहती हैं विद टाइम, तो फिर यस स्क्रिप्ट में थोड़ा ऊंच नीच आता रहता है। और कुछ हमें बताएं कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या होंगे आजरा, क्या हम आगे से एक्सपेक्ट करें कि कोई फिल्म आपसे फिल्म की होके रह जाएंगी, कि आप वो कुछ होते हैं ना जिनको मजा लग जाता है कि जब फिल्म ही करनी है हमने, तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा कि हम ड्रामों में भी नहीं, देखेंगे? हाँ नहीं ऐसी बात नहीं है। यू विल सी मी इन ड्रामास। और फिल्म का ये है कि अच्छा, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पाकिस्तान इज स्टिल नॉट कम्प्लीटली अ फिल्म रन कंट्री। पाकिस्तान अभी भी जो है ना वो सीरियल्स पे चल रहा है, जो ऑडियंस है उनका ड्राइव, उनकी जो ड्राइव है वो फिल्म से ज्यादा ड्रामा है। और आई लव डूइंग फिल्म बिकॉज अगर मीडियम्स में देखा जाए तो थिएटर मेरा फेवरेट मीडियम है, लेकिन थिएटर से अगर मैं डायरेक्टली अगर मैं जंप करना चाहूँ तो एज एन एक्टर दैट इज डेफिनेटली फिल्म, बिकॉज फिल्म मुझे उतना ही एरिया देता है खेलने का। लेकिन एट द सेम टाइम टीवी एक्चुअली बहुत टफ है, और टीवी में एक्चुअली बहुत मेहनत लगती है, बिकॉज वो एक छोटा सा फ्रेम होता है जिसमें आपने ना अपना जिस्म हिलाना है, हमें कुछ भी नहीं करना, आपने अपनी आंखों से बात करनी है, आपने सिर्फ एक्सप्रेशन देने हैं। तो दैट फॉर मी टेक्स अप मोर एनर्जी देन इन एनी अदर मीडियम। सो फिर ड्रामा में भी देखेंगे, फिल्मों में भी देखेंगे, क्योंकि बड़ा जी ग्लैमरस सा रोल भी आप कुछ करें ना तो वो और मजा आएगा। हाँ व्हाई नॉट, इफ आई एम आई एम बेसिकली आई लव डूइंग कैरेक्टर्स, और मुझे कैरेक्टर्स में ढलना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं डरती नहीं हूँ कि वो चीज वो किस तरह की एंड में चीज लगेगी नहीं लगेगी, बस वो जो भी चीज है वो सच्ची होनी चाहिए। तो बिल्कुल। अगर मुझे कोई ऐसा कैरेक्टर मिलेगा तो व्हाई नॉट, आई वुड लव टू डू इट। और हमें कुछ मैसेज देना चाहिए आपको, लोग बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, फरा आपको सुन रही है, गुल ने आपके लिए मैसेज किया, और शमीम साहिबा ने, रिहान आपके लिए बहुत आपको बेस्ट विशेस दे रहे हैं आपकी न्यू मूवी के लिए, और जब रिलीज होगी तो थैंक यकीनन यू सो मच बहुत अच्छी एवरीवन। जाएगी। तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपनी जो आप लोग सुन रहे हैं पाकिस्तान में, आप जो लोग आपको सुनेंगे? मैं बस ये कहना चाहूंगी कि हमारी जो इंडस्ट्री है इट्स स्टिल वेरी मच अ चाइल्ड, वी आर स्टिल टेकिंग ऑफ एंड वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो अप इन द एयर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम सपोर्ट ना करें। और सबसे बड़ी बात जो होती है ना, जहां से बुनियाद शुरू होती है, वो एक्सेप्टेंस है। तो अगर हम एक्सेप्टेंस ले आए और डराना बंद कर दें, और उस डर की वजह से जो है ना वो जो कंटेंट जो निकल रहा है अगर वो और अच्छा होना शुरू हो जाए, तो
तो बहुत अच्छा हो जाएगा. बिकॉज़ आई वुड एज एन एक्टर आई वुड ओनली आस्क फॉर एक्सेप्टेंस एंड एंड सम पेशेंस दैट्स अबाउट इट. बिल्कुल बिल्कुल. और थोड़ी सी अपनी सोशल मीडिया डिटेल्स कुछ शेयर करें मुझसे, ताकि बहुत सारे लोग जो मुझ समेत आपको फॉलो करना चाहते हैं तो आपको कर भी सकें. जी जी आप लोग बिल्कुल मुझे फॉलो कर सकते हैं. इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है हाजरा यामीन के नाम से, और फेसबुक पे भी मेरा फैन पेज है बाय द नेम ऑफ हाजरा यामीन. तो आप मुझे जरूर उस पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी. और मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद भी ऑन अ पर्सनल लेवल सबसे किसी ना किसी तरीके से बात कर सकूं. एंड आई माइट जस्ट गो लाइव वन डे, व्हाई नॉट. बिल्कुल, हम मैं भी आपको ज्वाइन इन करूंगी, मैसेज भेजूंगी आपको वहां पर. डन डन, आई वुड लव टू हैव यू ऑन बोर्ड. थैंक यू सो मच. थैंक यू हाजरा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. और मेरी तरफ से, रेडियो संगम की जानिब से, और तमाम जो आप लोग सुन रहे हैं हमारी तरफ से, बहुत सारी बेस्ट विशेज. इंशाल्लाह आपकी फिल्म आए और छा जाए. इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. कीप अस इन योर प्रेयर्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू हाजरा. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू. गुड इवनिंग. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू. कुछ सोच दिए पर कह न पाउंदी, ना कोई तेरा कुड़े रात ना सवेरा कुड़े, ना कोई तेरा निवस